नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बॉडी डिटॉक्स करने के आसान और सरल तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए विषैले पदार्थों का बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए लोग कई तरह का डिटॉक्स ड्रिंक का भी सेवन करते हैं ताकि सेहत से जुड़ी छोटी से बड़ी परेशानियों से बचा जा सके। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये बीमारियाँ आगे चलकर बड़ी समस्याओं को न्योता देती हैं। बॉडी डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। जापानी लोग खुद को फिट और बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत पुराने समय से ही एक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पद्धति सुनने में थोड़ी अजीब है, उतनी फायदेमंद भी है। यह पैड लहसुन और प्याज के मिश्रण से बनता है, जिसे रात के समय पैरों के तलों पर रखा जाता है और अगली सुबह इस पैड को निकाला जाता है। यदि यह पैड गहरे रंग का हो जाए तो समझ लें शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल गए हैं। इस खास तरह की डिटॉक्स पैड का इस्तेमाल पैरों पर करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने के साथ साथ जोड़ों के दर्द से राहत, सिर दर्द, बुखार में आराम और थकावट भी दूर होती है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप भी घर पर डिटॉक्स फूड पैड बनाकर फायदा ले सकते हैं। डिटॉक्स फूड पैड बनाने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए दोस्तों है, वह प्याज, लहसुन, पानी, जुराबें और सफ़ेद रंग की पट्टी। अब सबसे पहले प्याज और लहसुन को बारीक काट कर रख लें। इसके बाद उबलते पानी में प्याज और लहसुन को डालकर 10 मिनट के लिए उबालें। इस बात का ख्याल रखें कि इसमें पानी उतना ही डालें कि पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को 20 मिनट ठंडा होने के लिए रखें। इसके बाद मिक्सचर को गोज पैड में डालें। अगर इसमें लिक्विड ज़्यादा लग रहा है तो इस हल्का सा निचोड़ लें। इसके बाद इस पैड को पैर के तलुओं के बीच में रखें और उसके ऊपर जुराबे डाल लें ताकि ये खिसके ना, और रात भर इस पैच को इसी तरह लगा रहने दें। सुबह इस पैड को हटा दें तो आप अपने आप खुद ही एक अच्छा फीलिंग महसूस करेंगे। आपकी बॉडी डिटॉक्स करने का सबसे सरल तरीका है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बॉडी डिटॉक्स करने की। आगे फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।